गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू अदर सेशन ऑफ शेयर एकेडमी, जहां हम करते हैं शेयरों की खोज फंडामेंटल और टेक्निकल बेसिस पर और स्ट्रॉन्ग शेयर्स ढूंढकर उन्हें खरीद कर रखते हैं अपने पोर्टफोलियो में लंबे समय तक के लिए मार्केट के मूवमेंट के अकॉर्डिंग। अगर ये चैनल आ रहा है आपको पसंद तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, वीडियोज़ को लाइक शेयर और कमेंट्स अगर ये वीडियोज़ किसी भी तरह से आपकी मदद कर रहे हो। साथ ही बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे हर बार जब भी नया वीडियो आता है आपको उसकी जानकारी मिल सके। वो निवेशक जो मार्केट के बारे में पढ़ना और सीखना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बुक्स के लिंक दिए गए हैं, इन लिंक्स पर जाकर आप इनका लाभ उठा सकते हैं। अगर आप चाहें तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, स्क्रीन पर आ रहे इस नंबर पर मैसेज करके हमारे मॉडरेटर्स आपको ग्रुप में ऐड कर लेंगे। शर्त सिर्फ एक है फ्रेंड्स कि आप ऑप्शन ट्रेडर या फिर इंट्राडे ट्रेडर नहीं होने चाहिए। सो फ्रेंड्स, एंजॉय कीजिए इस सेशन को। हैप्पी इन्वेस्टिंग। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू अदर सेशन ऑफ शेयर एकेडमी। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे फ्रेंड्स, वो है हमारी शेयर एकेडमी सीरीज के फंडामेंटल एनालिसिस एक्सप्लेन्ड सीरीज का ही अगला वीडियो। आप में से वो लोग जो फ्रेंड्स फर्स्ट टाइम देख रहे हैं इस वीडियो को, हमारी रिक्वेस्ट है आपसे कि इस वीडियो को यहाँ पॉज कीजिए। फंडामेंटल एनालिसिस एक्सप्लेन्ड जो सीरीज है, इसे आपको हमेशा सीरीज वाइज ही देखना चाहिए। हर एक वीडियो का एक स्पेसिफिक नंबर है, इन वीडियोज़ को हमेशा सीरियल से देखिए, तभी आपकी समझ में आएगा कि इन वीडियोज़ को अच्छी तरह से समझने के लिए आपको इन्हें एक सीरियल से देखना बहुत ज़रूरी है। ओके फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बॉटम लाइन। इससे पहले का जो 17th नंबर का वीडियो था उसमें हमने सीखा था कि टॉप लाइन क्या है, सेकंड है बॉटम लाइन। आमतौर पर आप फंडामेंटल एनालिसिस करते समय या फिर किसी बिजनेस चैनल पर रिजल्ट्स को डिस्कस करते समय ये सुनते होंगे कि कंपनी की टॉप लाइन और बॉटम लाइन पर काफ़ी जोर पड़ रहा है या कंपनी पर काफ़ी प्रेशर आ रहा है जिसकी वजह से बॉटम लाइन घटते हुए दिख रही है। सो तब वहाँ पर आपके लिए एक सवाल जायज़ हो जाता है कि आखिर ये लोग किस टर्म के बारे में बात कर रहे हैं और कंपनी की बॉटम लाइन होती क्या है, और आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आखिर बॉटम लाइन की आपको ज़रूरत क्यों है। तो शुरू करते हैं आज का ये सेशन कि असल में बॉटम लाइन है क्या, और जब आप जाएंगे और नेट पर ढूंढेंगे इसको कि बॉटम लाइन क्या है तो आपको देखने में मिलेगा क्या, ज़रा इसे ध्यान से देखिए। बॉटम लाइन है, द बॉटम लाइन रिफर्स टू अ कंपनीज नेट अर्निंग, नेट प्रॉफिट, नेट इनकम और अर्निंग पर शेयर। द रेफरेंस टू बॉटम लाइन डिस्क्राइब्स द रिलेटिव लोकेशन ऑफ द नेट इनकम फिगर्स ऑन द कंपनीज इनकम स्टेटमेंट। बॉटम लाइन ऑल्सो रिफर्स टू एनी एक्शन दैट मे इंक्रीज और डिक्रीज नेट अर्निंग्स और कंपनीज ओवरऑल प्रॉफिट। अ कंपनी दैट इज ग्रोइंग इट्स नेट अर्निंग और रिड्यू। हम बता रहे हैं आपको कि जब हम इसे पढ़ रहे हैं तो कायदे से ये हमारी भी समझ में नहीं आ रहा है। कायदे से का मतलब है कि हमें चाहिए बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज में कोई हमें समझा सके कि बॉटम लाइन क्या है, और वो काम हम आज आपके लिए करने वाले हैं। बेसिकली सेम टॉप लाइन की तरह बॉटम लाइन भी किसी भी कंपनी के प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट का ही हिस्सा है। और आपको पता है कि प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट कहाँ से निकालना, अगर आपको नहीं पता है तो सिंपल मनी कंट्रोल पर जाइए, सर्च बॉक्स में कंपनी का नाम डालिए जैसे कि इन्फोसिस, उसका ओवरले आपको मिल जाएगा। ओवरले के बाद इसके यहाँ सर्च बॉक्स में प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट पर क्लिक कीजिए, इसे खोल लीजिए, यहाँ से आपको मिलेगा प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट। ओके, सेम वही खुला हुआ है हमारे पास में। यहाँ प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट की सबसे ऊपरी हिस्सा टॉप लाइन कहलाता है, ये हमने आपको पिछले वीडियो में बताया। और टॉप लाइन का मतलब है कि कंपनी का धंधा कितनी तेज़ी से बढ़ रहा है। तो अगर कंपनी का धंधा कितनी तेज़ी से बढ़ रहा है ये टॉप लाइन है, तो बॉटम लाइन क्या है सिर्फ एक सेंटेंस में हम आपको बताते हैं बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज में कि बॉटम लाइन क्या है। कंपनी अपना धंधा कितनी तेज़ी से बढ़ा रही है ये बात बताती है कंपनी की टॉप लाइन। बॉटम लाइन का मतलब है कि कंपनी कितना प्रॉफिट कमा रही है, सिर्फ इतना। इसके अलावा आप इसके चारों तरफ कठिन शब्दों का एक जाल बुन लीजिए, फाइनेंस के इतने कठिन शब्द रख दीजिए कि आम आदमी की समझ से परे हो जाए वो, और आम आदमी हाथ जोड़ ले और वो कहे कि भाई जो ये टेक्निकल एनालिस्ट या फंडामेंटल एनालिस्ट कहते हैं वही सही है, या जो बिजनेस चैनल पर बताया जा रहा है वही सही है, हम तो इसको समझने से परे, हमारा दिमाग ये चीज़ नहीं समझ सकता। दोबारा सुनिएगा, बॉटम लाइन का मतलब है कि कंपनी कितना प्रॉफिट बना रही है साल दर साल अपने धंधे से, यह है कंपनी की बॉटम लाइन। अब जरा इसे ध्यान से देखिए, प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट का ऊपरी हिस्सा है टॉप लाइन, निचला हिस्सा है बॉटम लाइन। इस बॉटम लाइन में आपके लिए सिर्फ एक चीज जरूरी है, सिर्फ एक, और वो है रिपोर्टेड नेट प्रॉफिट, यानी कंपनी अपनी जेब में कितना पैसा लेकर जा रही है, ये इंपॉर्टेंट है और यही है आपकी बॉटम लाइन। ध्यान से सुनिएगा फ्रेंड्स, आप में से वो लोग जो अभी चार्टर अकाउंटेंट का कोर्स कर रहे हैं या फिर जो कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, उन्हें लगेगा कि हम कुछ गलत बता रहे हैं या हम पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे। ये वीडियो आपके लिए नहीं है,
ये वीडियो है शेयर एकेडमी के उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्हें बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज में सीखना है कि बिजनेस एनालिसिस या किसी कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करनी है। कोई एमबीए कर रहा है, कोई कॉमर्स का स्टूडेंट है, उसके लिए जार्गन्स अच्छे हैं, कठिन शब्दों का इस्तेमाल वो आसानी से समझ सकता है, बट बहुत सारे हमारे व्यूअर्स और जो रिटेल निवेशक हैं उन्हें ये तक नहीं पता है कि पीई और पीजी में फ़र्क क्या है। तो ये आप लोगों के लिए नहीं है, ये है उनके लिए जिन्हें अभी तक कुछ भी नहीं पता फंडामेंटल एनालिसिस का, एफ भी नहीं मालूम है, ये उनके लिए है, ठीक है ना। तो इसलिए इसकी क्वालिटी हम बिल्कुल हल्की ही रखेंगे। तो फ्रेंड्स, बॉटम लाइन है कि कोई कंपनी अपना धंधा करने के बाद साल भर कितना पैसा अपनी जेब में रख रही है, ये है बॉटम लाइन, या जिसे आप दूसरी भाषा में नेट प्रॉफिट कहते हैं, रिपोर्टेड नेट प्रॉफिट, कि सारे खर्चे निकाल कर सब कुछ अदा करके कंपनी की जेब में कितना पैसा आ रहा है, ये है उसकी बॉटम लाइन। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बॉटम लाइन के बारे में क्या है कि बॉटम लाइन हमेशा साल दर साल बेसिस पर कंपनी की बढ़ती हुई होनी चाहिए। कैसे, ध्यान से देखिए, इन्फोसिस की बॉटम लाइन में रिपोर्टेड नेट प्रॉफिट ये है मार्च 15, देन मार्च 16, मार्च 17, मार्च 18, मार्च 19, ओके बॉटम लाइन ध्यान से देखिएगा, यह है रिपोर्टेड नेट प्रॉफिट या बॉटम लाइन, एक ही चीज़ है। 12,000 करोड़ मार्च 15 में, देन 12,500 करोड़, 13,800 करोड़, 16,000 करोड़, फिर 14,700 करोड़। यहाँ थोड़ी सी जो टॉप लाइन है वो हल्की सी घटी है, उसकी वजह क्या है कि आईटी सेक्टर के ऊपर दबाव आया था। तो साल दर साल बॉटम लाइन बढ़ रही है कंपनी की, इसका मतलब है कि कंपनी प्रॉफिटेबल हो रही है। ये एक बेहद इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। कंपनी अगर फंडामेंटली स्ट्रांग आपको देखनी है तो कंपनी की बॉटम लाइन जब आप देख रहे हैं तो बॉटम लाइन साल दर साल बढ़नी चाहिए। चलिए एक बॉटम लाइन और हम देखते हैं जो कि है डाबर की, देखते हैं जरा बॉटम लाइन का क्या फ़र्क है। 762 करोड़, 939 करोड़, 998 करोड़, 1,000 करोड़, 1,264 करोड़, लगातार बढ़ रहा है साल दर साल बेसिस पर कंपनी की बॉटम लाइन कॉन्टिन्यूसली बढ़ रही है, ये एक अच्छी चीज़ है। नाउ बॉटम लाइन भी सेम टॉप लाइन की तरह दो तरह से एनालाइज की जाती है। कैसे, ध्यान से देखिएगा इसे। बीएससी की वेबसाइट पर जाइए, कंपनी का नाम डालिए, फाइनेंशियल्स में जाइए, रिजल्ट्स पर क्लिक कीजिए। बीएससी की वेबसाइट पर ये इंफॉर्मेशन जो अभी अभी हमने डाबर के बारे में की ना, जैसे डाबर की जो एनालिसिस की, ये थी साल दस साल बेसिस पर, मार्च 15, मार्च 16, मार्च 17 है ना, साल दस साल। बीएससी की वेबसाइट पर ये इंफॉर्मेशन आपको क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पर मिलेगी। कैसे, जून 18, सितंबर 18, दिसंबर 18, मार्च 18, जून 19, ठीक है, ये है क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पर एनालिसिस। तो आपको कंपनी की बॉटम लाइन जो है वो दो तरीके से एनालाइज करनी होती है। कैसी, कि पिछले साल से इस साल भैया तुमने कितना प्रॉफिट कमाया ये हमको बताओ, पिछले साल के तुलना में तुमने कितना ज़्यादा प्रॉफिट कमाया ये, और दूसरा भाई पिछले 3 महीने में तुमने कितना प्रॉफिट कमाया था, उस 3 महीने में कितना प्रॉफिट कमाया हमको ये बताओ। तो ये एनालिसिस आपको यहाँ से मिलेगी। और इसकी एनालिसिस करनी कैसे होती है, जून 19 को कंपेयर करते हैं हम जून 18 से, यानी इस साल का तिमाही कंपेयर कीजिए पिछले साल के सेम तिमाही से, और दूसरा इस साल का तिमाही जो पिछला अभी तिमाही गया उसके साथ कंपेयर कीजिए। ना अगर आपको लग रहा है कि ये बड़ी कठिन चीज़ है यार, ये कैसे करेंगे, तो इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ दो चीज़ें देखनी है, सिर्फ दो चीज़ें। एक, अर्निंग पर शेयर, आपको पता है कि हमने अर्निंग पर शेयर आपको बता रखा है ईपीएस क्या होता है, और सेकंड आपको नेट प्रॉफिट मार्जिन कंपेयर करना है। बस नेट प्रॉफिट मार्जिन धीरे धीरे कंपनी का बढ़ते हुए होना चाहिए, ठीक है। तो ध्यान दीजिए कि नेट प्रॉफिट मार्जिन जून 19 में 15.83% है, ये इससे पहले के जून 18 में प्रॉफिट मार्जिन जो है वो 15.65% से बढ़ा हुआ है, जो कि अच्छी चीज़ है, बट पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर में जो प्रॉफिट मार्जिन है वो कमज़ोर हुए हैं, यानी यहाँ पर आपको थोड़ा सा सतर्क होने की ज़रूरत है, ओके। सो ये है कंपनी की बॉटम लाइन। बॉटम लाइन का मतलब है कंपनी कितना प्रॉफिट जनरेट कर रही है। तो साल दर साल अगर प्रॉफिट बढ़ रहा है तो इसका मतलब कंपनी बढ़िया है। और अब देखते हैं कुछ ऐसी कंपनी जिनका साल दर साल प्रॉफिट थोड़ा घटता हुआ है, जैसे रिलायंस कम्युनिकेशन। ध्यान से देखिए, रिपोर्टेड नेट प्रॉफिट लगातार माइनस में है, ये प्लस में नहीं है, ये रिपोर्टेड नेट प्रॉफिट माइनस में है, ठीक है। 154 करोड़ माइनस, 370 करोड़ माइनस का, 1700 करोड़ माइनस का, और 9000 करोड़ माइनस का, यानी लगातार बढ़ रहा है। और इस साल जो आपको ये थोड़ा सा बढ़ा हुआ दिख रहा है ये अदर इनकम की वजह से, इस पर ध्यान मत दीजिएगा, ये हम आपको अगले आने वाले जो वीडियोज़ हैं उनमें बताएंगे कि अदर इनकम को क्या करना चाहिए आपको, ठीक है। सो लगातार घटता हुआ नेट प्रॉफिट कंपनी की वीकनेस दर्शा रहा है, इसीलिए रिलायंस कम्युनिकेशन एक कमज़ोर शेयर है। देन अगला शेयर देखते हैं, जयप्रकाश एसोसिएट्स, रिपोर्टेड नेट प्रॉफिट ध्यान से देखिए,
1200 करोड़, वो भी नेगेटिव में लॉस है ये 2820 करोड़ नेगेटिव में, ये लॉस है, जहां माइनस लगा हुआ है वो लॉस है। 4361 करोड़ नेगेटिव में लॉस है, 351 करोड़ पॉजिटिव में था, देन अगेन 773 करोड़, यानी बॉटम लाइन की हालत एकदम घटिया है बिल्कुल। कंपनी देखते ही आपको पता चल जाता है कि इस कंपनी में आपको कुछ नहीं करना है। ओके, देन कम्स एचईजी, ध्यान से देखिएगा, सेम वही चीज जो टॉप लाइन पर अप्लाई होती है एचईजी की। रिपोर्टेड नेट प्रॉफिट 39 करोड़, 7 करोड़ का घाटा, 50 करोड़ का घाटा, और अचानक से कंपनी में 1000 करोड़ का फायदा। फ्रेंड्स, टॉप लाइन की तरह ही बॉटम लाइन के बारे में सेम नियम लागू होता है। अगर कंपनी का प्रॉफिट सस्टेनेबल तरीके से बढ़ता है, यानी एक साल 1 करोड़ हो, अगले साल 1 करोड़ 10 लाख, देन 1 करोड़ 20 लाख, देन 1 करोड़ 30 लाख, तब तो समझ में आता है। लेकिन एक साल कंपनी को 50 करोड़ का घाटा हो और अगले साल कंपनी को 1000 करोड़ का प्रॉफिट हो जाए, तब आपको सतर्क हो जाना चाहिए। हमेशा कंपनी का मुनाफा और कंपनी का धंधा, ये धीरे धीरे बढ़ना चाहिए। 20% 30% का जंप इसमें होना चाहिए, तब तो कंपनी सस्टेनेबल होती है, यानी तब कंपनी लंबे समय तक चलती है। अगर कभी आपको ये दिखे कि कंपनी की बॉटम लाइन या कंपनी के मुनाफे में अचानक से जंप आ गया है, कितना, 2 गुने का 3 गुने का 50 गुने का, ऐसी कंपनी से बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है। इसी वजह से एचईजी अपने ऊपरी स्तरों से गिरा। सेम वही हालत ग्रेफाइट की हुई। ये देखिए, ये है ग्रेफाइट इंडिया का, और ग्रेफाइट इंडिया का बॉटम लाइन देखिए कैसे, 82 करोड़ 82 करोड़ 112 करोड़, 3 सालों में तो ये 100 करोड़ के आसपास रहा इसका मुनाफा, और अचानक एक साल मुनाफे में 9 गुने की वृद्धि हो गई। अरे यार, धंधा बढ़ता है आदमी का, ऐसे बढ़ता है क्या कि 9 गुना धंधा बढ़ जाएगा? इसका मतलब है कि कंपनी से आपको सतर्क हो जाने की ज़रूरत थी मार्च 18 में ही, और करंटली आप देख सकते हैं कि इस समय ग्रेफाइट इंडिया अपने ऊपरी स्तरों से 50% से ज़्यादा की गिरावट लेकर खड़ा है इस समय। ठीक, सो हमेशा ध्यान रखिए कि बॉटम लाइन का मतलब है कंपनी का मुनाफा कितना बढ़ रहा है। ये मुनाफा हमेशा साल दर साल बेसिस पर 20-30% के जंप से बढ़ना चाहिए, कभी भी मुनाफा डबल ट्रिपल नहीं होना चाहिए। एक दूसरा, अगर साल दर साल मुनाफा घट रहा है, जैसा कि रिलायंस कम्युनिकेशन या जेपी एसोसिएट्स के केस में आपने देखा, तो ऐसी कंपनी से आपको हमेशा दूर रहना चाहिए। सो उम्मीद है फ्रेंड्स कि इस सेशन के अंतर्गत जो हम आपको सिखाना चाहते थे कि बॉटम लाइन क्या है और बॉटम लाइन का एनालिसिस आपको कैसे करना है अपने फंडामेंटल एनालिसिस के दौरान, ये आपकी समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो कमेंट बॉक्स में जाइए और कुछ ऐसी कंपनियों के नाम निकाल कर हमें बताइए जिनकी की बॉटम लाइन या शुद्ध मुनाफा, नेट प्रॉफिट जो है वो घटता हुआ हो। अपने कमेंट्स देकर हमें बताइए कि इस सीरीज से आपको कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिल रहा है। उम्मीद है फ्रेंड्स कि आज के इस वीडियो से न केवल आपको कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिला होगा, बल्कि ये भविष्य में आपकी एनालिसिस में काम भी आएंगे। अगर ऐसा है तो कमेंट बॉक्स में जाकर हमें ज़रूर बताइए कि ये सेशन आपको कैसा लगा। मुलाकात होगी आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। फ्रेंड्स, उम्मीद है कि सेशन आपको पसंद आया होगा। अब आप हमारी मदद भी कर सकते हैं स्क्रीन पर आ रहे इस पेटीएम नंबर पर, साथ ही आप चाहें तो गूगल पे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक अपना और अपने पोर्टफोलियो का ध्यान रखिए। शेयर अकेडमी एक ईमानदार कोशिश है नॉलेज शेयरिंग की। मार्केट में चल रहे लाखों रुपए के सेमिनार में दिया जाने वाला नॉलेज हम यहाँ पर आपके साथ फ्री में शेयर करते हैं। सो जुड़े रहिए शेयर अकेडमी के साथ, और हमेशा याद रखिए फ्रेंड्स दैट मनी नेवर स्लीप्स। थैंक यू वेरी मच।